गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम दो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं पिछले लास्ट टू क्लास से। हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। जैसे आप अंकों के साथ कुछ ऑपरेटर्स यूज लेते हैं ना, प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो आप नंबर्स के साथ यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पर नंबर्स नहीं है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सेट्स, समुच्चय। तो आपको यहाँ पर दो या दो से अधिक समुच्चय मिलेंगे। दो मिल सकते हैं कम से कम, अधिक भी मिल सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, ऐसे सेट्स मिलते हैं। आपको उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस कैसे, जैसे हमने दो ऑपरेशंस स्टडी कर लिए हैं, ए तथा बी का संघ। ए तथा बी का संघ हमें लिखना हो तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी, ऐसे लिखते हैं हम लोग। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इन दोनों को लेकर इन दोनों का यूनियन हम लोगों को लिखना होता है। वेन डायग्राम भी बनाना होता है, तो हमने इसको स्टडी कर लिया है। और होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, ए के ऑल एलिमेंट्स को आप यूज करते हैं, बी के भी ऑल एलिमेंट्स को भी आप यूज करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को छोड़ा नहीं जाता है। ए के ऑल एलिमेंट्स सभी अवयवों को आप यूज करेंगे, बी के भी ऑल एलिमेंट्स को आप यूज करेंगे, और एक नया सेट लिख देते हैं। जैसे ही नया सेट लिखते हैं तो वो इन दोनों का संघ समुच्चय कहलाता है। एक नया समुच्चय आएगा, उसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी, क्योंकि इन दोनों की मदद से उस नए समुच्चयों को आपने प्राप्त किया है। ध्यान रखना है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ए के भी एलिमेंट है, साथ में बी के भी एलिमेंट्स है। तो क्या हो रहा है कि जब आप ए के ऑल एलिमेंट्स को चूज कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स आ गए जो बी में है, और जो बी के ऑल एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं तो वो एलिमेंट फिर से रिपीट होकर आ गए। तो आपको कहीं भी लगता है कि ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने दो बार इस समुच्चय में लिख लिया है, तो उस गलती को तुरंत ठीक करें। एक एलिमेंट्स को आपको एक ही बार समुच्चय में लिखना होता है, एक समुच्चय की प्रॉपर्टी, उसका नियम है, उसका रूल है, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं तो बड़ी मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन ज्यादा बेस्ट होगा कि हम लोग एक एलिमेंट को हम एक ही बार समुच्चय में लिखें, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ए यूनियन बी का नॉलेज आपके पास है, दोनों के ऑल एलिमेंट्स को हम लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन, कल की क्लास में हमने ये स्टडी किया था। जो स्टूडेंट कल की क्लास में प्रेजेंट थे उनके पास ये नॉलेज है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा है, आपको ऐसे एलिमेंट्स को लेकर समुच्चय लिखना है, ऐसे विशेष एलिमेंट्स को लेकर। क्या विशेषता होगी, जो इन दोनों में कॉमन हो, जो एलिमेंट्स ए के पास हो और वही एलिमेंट्स किसके पास हो, बी के पास, दोनों के पास जो एलिमेंट्स हो उनको लेकर आप एक समुच्चय लिख देंगे, उसको बोलेंगे ए तथा बी का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन साइन है, ये यूनियन साइन है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स को लेकर आपको समुच्चय लिखना है। यूनियन का मतलब है दोनों के सभी अवयवों को लेकर आपको समुच्चय लिखना है। तो ऐसे दो ऑपरेशंस ऑलरेडी हमने समुच्चयों को लेकर कर लिए हैं। अब थर्ड जो ऑपरेशंस है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। आपके पास कम से कम टू सेट्स होंगे और उन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस की जो डेफिनेशन क्या है, अगर शॉर्ट में देखोगे तो ऐसे बोलते हैं, ए तथा बी का अंतर, ए तथा बी का अंतर है ये। इसका मतलब क्या हुआ, ए किंतु बी नहीं, ए तथा बी का अंतर। इसका अगर हम लोग सिंपल शॉर्ट में डेफिनेशन बोले ना, तो ए किंतु बी नहीं, ये देखो हमने कितना लंबा चौड़ा करके लिखा है,
अगर इस डेफिनेशन को हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो इसे बोलना पड़ेगा, ए हो, ए तो हो किंतु बी नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब है ए कॉमा किंतु बी नहीं, ये कॉमा साइन है, कई आप फोटो का आपको दिख नहीं रहा होता इसे, ए हो किंतु बी नहीं हो, ये इसमें रखा गया है, जिसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं ए माइनस बी। जैसे संघ के लिए ए यूनियन बी, सर्वनिष्ठ के लिए ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन साइन है वो बी हो गया है, ठीक है। और अगर टू सेट्स का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, तो जैसे आप नंबर्स के बीच अंतर लेते ना, 2-3 = -1 ऐसे, तो माइनस का यूज कर रहे थे, वही माइनस का यूज आप दो समुच्चयों के अंतर के लिए भी करेंगे। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी ही क्यों लिखा हमने, ये भी एक कारण है, क्योंकि फर्स्ट सेट क्या लिख रहे हैं हम लोग, ए, सेकंड सेट कौन है, बी, तो ए तथा बी का अंतर है, तो ए फर्स्ट होगा और बी सेकंड होगा। आगे जाकर हम ये भी पढ़ेंगे, बी तथा ए का अंतर, बी तथा ए का अंतर, मतलब या बी बोलना या ए बोलना है, बी किंतु ए नहीं, मतलब बी माइनस ए, ये शॉर्ट है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए, समुच्चय ए के ऐसे अवयवों का समुच्चय, आपको अंतर समुच्चय लिखना है ए तथा बी के लिए, और वो भी ए माइनस बी लिखना है, ना कि बी माइनस ए, बी माइनस ए की डेफिनेशन चेंज हो क्या आएगी, समुच्चय ए के ऐसे अवयवों का समुच्चय, अगर हम ए माइनस बी लिख रहे हैं तो ए को बोलेंगे हम, समुच्चय ए के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो अवयव समुच्चय बी में न हो। आपको एक के एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन एक के भी वही एलिमेंट्स लेने हैं जो एलिमेंट्स बी सेट में न हो। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है एक के एलिमेंट्स लेने हैं तो ले लो ले लो ले लो, ऐसा नहीं है भैया, ऑल एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। आप सोचो एक के एलिमेंट्स ले लो, बहुत सिंपल सा काम है, इसमें क्या है, सामने सेट ए है क्योंकि क्वेश्चन में मिला हुआ है, तो इसमें से सारे एलिमेंट्स ले लो, नहीं सभी एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, मना कर रहा है ये, ध्यान से सुनिए आप, ए के ऐसे अवयवों का समुच्चय, ऐसे विशेष अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय बी में न हो। यदि एलिमेंट्स ए के पास है, आप सोचो मैं ले लेता हूं, नहीं, अगर ये एलिमेंट बी के पास भी है तो नहीं लेना है, ए का एलिमेंट को ले रहे हो आप, ले लेता हूं ए का एलिमेंट है, आप नहीं लेंगे। यदि ये एलिमेंट बी का एलिमेंट है तो नहीं लेंगे, अगर ये बी का एलिमेंट नहीं है तो ले लेंगे, मतलब इसको बोलते हैं केवल और केवल ए। अगर मैं इसको और लिखना चाहूं ना, पूरा करना चाहूं, तो इसका मतलब ये भी होता है ना स्टूडेंट्स, और अच्छा कर देता हूं, फ्यूचर में कभी आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं केवल ए, केवल ए, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकली ए माइनस बी लिखते हैं। दोबारा सुन लीजिए डेफिनेशन, फिर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, सबको समझ में आएगा, ऐसा नहीं आपको डेफिनेशन हो सकता है, मैं मानता हूं आपको डेफिनेशन लर्न नहीं रहेगी, अभी याद हो जाएगी तो कल परसों तक एक सप्ताह में भूल जाएंगे आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जो मैथमेटिकली काम करेंगे ना, वो एक बार कोई देख लेगा ना एग्जाम्पल, एक बार स्टूडेंट्स वो कभी नहीं भूलेगा इसको। तो देखो आप, दो समुच्चय है ए तथा बी, आपके लिए हम क्या देख रहे हैं, एक समुच्चय ए के ऐसे विशेष अवयवों का समुच्चय जो अवयव बी में न हो। ए के केवल वही एलिमेंट्स आपको लेने हैं जो बी सेट के एलिमेंट न हो, तब हम क्या बोलते हैं, जो समुच्चय आपको मिलेगा कुछ एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बनेगा ना विशेष अवयव को लेकर, उस समुच्चय क्या बोलेंगे, ए तथा बी का अंतर समुच्चय कहा जाता है, जिसे गणित में ए माइनस बी से लिखा जाता है, ठीक है। अर्थात इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहां लिख दिया है, ए तथा बी का अंतर, इसको हम वर्ड्स में बोलेंगे तो ए हो, ए के एलिमेंट्स हो किंतु बी के नहीं। ए के एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना है ए के एलिमेंट लेते समय कहीं कोई एलिमेंट बी का नहीं आ जाए, साफ कर रहा है, ए के एलिमेंट्स ले लो, लेकिन ध्यान से बी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो कुल मिला के बात क्या हुई, ए के वही एलिमेंट लेंगे जो बी में न हो। अगर वो एलिमेंट बी में हुआ, ए में तो है ही, अगर वो एलिमेंट बी में हुआ तो वो नहीं लेना है।
केवल ए का एलिमेंट और कहीं नहीं होना चाहिए, वो केवल ए के पास हो, बी के पास तो हो ही नहीं वो, तो केवल ए बोल सकते हैं इसको हम लोग, और ए माइनस बी से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका वेन डायग्राम समझिए आप लोग, वेन डायग्राम आप जानते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में वेन डायग्राम अलग अलग बनता है। यहाँ पर मान लो फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन आपको मिला जहां पर दिए गए दोनों समुच्चय में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, देख लो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो दोनों के सर्किल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन है। ऐसा भी मिल सकता है एक क्वेश्चन में एक ही बनेगा डायग्राम, ऐसा लाना नहीं बनता है, यूनिवर्सल सेट है ये। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, दोनों में कुछ एलिमेंट्स, तो इनका कुछ रीजन है ना, स्मॉल रीजन, ठीक है, या कोई पार्ट होता है, कोई स्मॉल पार्ट, वो कॉमन होगा। देखो ये, क्योंकि इनमें दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये यहां कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। थर्ड टाइप से ऐसे हो सकता है, ये सेट ए है और जो सेट बी का हर एक एलिमेंट है, ए का भी एलिमेंट हो, सेट बी का हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट हो, सेट ए का भी एलिमेंट हो, ये लो, तो बी इस ए का क्या होगा, कहलाएगा सबसेट कहलाएगा स्टूडेंट्स, बी सेट ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा ना, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या स्टडी करी है, यदि बी का प्रत्येक अवयव सेट ए का भी अवयव हो तो क्या कहलाएगा, बी ए का सबसेट। जैसे जैसे समझ लीजिए आप जयपुर के नागरिकों का समुच्चय, इसको आप जे से लिख दीजिए सेट है, और एक हो गया राजस्थान के नागरिकों का समुच्चय, उसको आप आर से लिख दीजिए। अब जयपुर का हर एक नागरिक, जयपुर का हर एक नागरिक राजस्थान का नागरिक तो होगा ही होगा, तो जो जयपुर सेट है वो राजस्थान का क्या हो जाएगा, सबसेट। और आप जब भी राजस्थान का मैप देखेंगे, राजस्थान की जो आउटलाइन देखेंगे, बाउंड्री उसकी देखेंगे, उसके अंदर जयपुर की बाउंड्री होगी, न कि जयपुर की बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा भी राजस्थान की बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जयपुर राजस्थान का एक सबसेट है, उपसमुच्चय, एक डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इसकी बाउंड्री कभी भी राजस्थान की बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकती है। तो ऐसा ही है, इसको आप जयपुर समझ लीजिए, इसको आप इंडिया समझ लीजिए, ठीक है ना, तो यूं समझ सकते हैं बी इस ए का क्या हो गया, सबसेट। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये केस भी हो सकता है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट बी हो गया और ये सेट ए हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ए सेट बी तो बी का सबसेट हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, इंडिया बी को मान लीजिए, इसको जयपुर मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है इस चीज में, ठीक है, ऐसा कभी भी कर लीजिए आप, ये इंडिया हो गया, ये राजस्थान हो गया, अब राजस्थान इंडिया का क्या हो गया, सबसेट हो गया, ऐसे तो इनमें से कोई एक कंडीशन होगी, ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन में एक साथ ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन में ये केस है तो ये तीनों नहीं होंगे, अगर ये वाली कंडीशन है तो फिर ये तीनों नहीं होगी, ये है तो फिर ये तीनों नहीं होगी, कोई एक स्थिति बनती है एक क्वेश्चन में। अब ये हमने बना लिया, अब मुझे बनाना है इसमें वेन डायग्राम ए माइनस बी का, ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ठीक है, मुझे यहां भी बनाना है ए माइनस बी का वेन डायग्राम, मतलब छायांकित करना है, मुझे हाईलाइट करना है उस रीजन को जो किसको रिप्रेजेंट करता हो, ए माइनस बी को, ए किंतु बी नहीं, मतलब बी को कट कर देना आपको। अब देखो छायांकित करो, ए को करना है छायांकित, किसको करना है, ए हो, इसको बोलो ए तो है किंतु बी नहीं, बी नहीं आ जाना चाहिए, ध्यान रखो आप, बी नहीं आना चाहिए, बी का एक जो रीजन है उसका स्मॉल पार्ट भी इसके आंसर में नहीं आएगा, ओके, ए तो ले सकते हैं ना, हाँ तो ए को पूरा छायांकित करना से करते, ए की परमिशन है क्या, बिल्कुल परमिशन है, लेकिन ध्यान रखना ए को आप हाईलाइट करते करते कहीं उस हाईलाइट में बी शामिल नहीं हो जाए, तो हाँ नहीं आ रहा बी, देखो कहीं भी नहीं आ रहा इसमें बी, बी तो बहुत दूर है, ये रहा बी आ जाएगा। अच्छा बी का कोई एलिमेंट लेना के, नहीं बी तो बिल्कुल भी नहीं लेना, एक भी एलिमेंट बी का नहीं आना चाहिए, तो फिर किसका एलिमेंट लेंगे हम,
तो क्या ए के ऑल एलिमेंट्स लेंगे? नहीं, ये भी कंफ्यूजन दूर कर दो आप। आप सोचो ए के ऑल एलिमेंट ले लेंगे, नहीं, ए के वही एलिमेंट लेंगे जो केवल ए के पास है, अन्य के पास नो। अगर वो एलिमेंट बी भी रखता है तो हम सोचेंगे कि अरे ये एलिमेंट ए का तो है लेकिन केवल ए का नहीं है, क्यों? ये तो बी के पास भी है, तो फिर हम केवल ए कैसे बोल सकते हैं? हम केवल ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जैसे कोई सामग्री है, हम एक दुकानदार के पास जा रहे हैं, अगर उसी के पास मिल रही है पूरे जयपुर में, तुम कह देंगे ये सामान या ये वस्तु केवल और केवल इस दुकान पर मिलती है। लेकिन मान लो अन्य के पास मिल रही है तो फिर हम वो केवल ओनली वर्ड वहां यूज नहीं कर सकते। कोई भी हमें कह देगा भाई आप कैसे कह सकते हैं ये सामान यहीं पर मिल रहा है, वहां भी मिल रहा है, वहां भी मिल रहा है, वहां भी मिल रहा है, वो वाली स्थिति है। ए माइनस बी में होता है ओनली ए, ठीक है? तो ये देखो ओनली ए, ओके। अब यहां जाओ, इसमें ओनली ए, ओनली ए में आ जाएगा ये वाला रीजन स्टूडेंट्स, आगे नहीं जाना। अगर बी में आप घुस गए तो फिर वो केवल ए नहीं रहेगा, बी तो माइनस में जा रहा है। माइनस बी का मतलब बी को काट दीजिए, बी को नहीं लेना है। माइनस का मतलब होता है आप अपने सिस्टम से हटा दीजिए। जैसे आपके 100 रुपीज खो गए हैं तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो टोटल अमाउंट था 1000, तो क्या अब भी बोलेंगे कि 1000 है मेरे पास? नहीं, अब आपके पास 100 रुपीज खो गए तो 900 रुपीज रह गए, आपको काटना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि नहीं ठीक है आ जाएंगे, मैं तो 1000 ही मान के चलूंगा, नहीं, ये आपके केवल संतुष्टि है कुछ समय के लिए। फाइनली उसका लॉजिकली आंसर है कि अब आपके पास 1000 रुपीज नहीं है, अब आपके पास 900 रुपीज है। ये सच्चाई है, इसको मान लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही है ए माइनस बी, ओनली ए। अब कईयों के माइंड में होगा सर ये क्यों नहीं लिया, ए तो ये भी तो है। हाँ है, लेकिन ये बी का रीजन भी तो है। बी का रीजन है तो बी को तो माइनस कर रहा है, बी तो लेना ही नहीं है, बी का स्मॉल पार्ट भी शामिल नहीं होना चाहिए, बी तो कटेगा। तो ये देखो ये जो ए का ये पार्ट है वो बी की वजह से कट गया, क्योंकि ये बी का भी है। और ये देखो ए किंतु बी नहीं, ए लेना है किंतु बी नहीं आ जाना चाहिए। कहते नहीं ए को लेते लेते इसके चक्कर के अंदर आप बी को भी ले लेना, नहीं, केवल ए, जिसमें ओनली एंड ओनली ए हो। तो ये आ गया ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ये बन रहा है। अब यहां बनाएंगे ए माइनस बी का वेन डायग्राम, बताओ बी को माइनस कर दो, बी को छायांकित नहीं करना है, ओनली ए को आप हाईलाइट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स ऐसे बनेगा ये, देख लो हमने बी को नहीं लिया, बी को नहीं लिया मतलब बी का एक भी एलिमेंट्स हम हमारे आंसर में शामिल नहीं करेंगे, ओनली ए, ए किंतु बी नहीं। ये समझ में आ रहा है आपके? अब बताओ इसमें, आप लास्ट वाला बताओ इसमें किसको छायांकित करेंगे? अगर आपको समझ में आ गया हो तो लास्ट, अगर क्वेश्चन मिल गया लास्ट वाला क्वेश्चन जहां ए सबसेट है बी का, तो किसको छायांकित किया जाएगा उसमें? देखिए बताओ आप, नहीं किसको किसको नहीं किया जाएगा उसको? बी किसने कहा पहले तो बी अपना नाम बताओ। सर इसको नहीं किया जाएगा क्योंकि बी उपसमुच्चय, ए उपसमुच्चय है बी का। हाँ ए उपसमुच्चय है बी का, गुड। और आपको कौन सा रीजन लेना है? ए का। अगर आप इस ए को लेते हैं तो बताओ ये जो रीजन है वो बी का भी रीजन है या नहीं है? और बी के लिए तो मना किया हुआ है, बी का रीजन आंसर में नहीं जाना चाहिए। बी का जो क्षेत्र है, बी की जो जगह स्पेस है, वो आंसर में नहीं आनी चाहिए। तो किसने सोचा मैं ए ले लेता हूं क्योंकि ए लेना है? अरे भाई ए ले रहे हो तो बी आ रहा है, क्योंकि ए एंड बी का ये कॉमन रीजन है। आप सोच रहे हो ए ले रहे हो, ए लेने का मतलब बी का भी वो पार्ट है, और बी के लिए तो माइनस कर रखा है, माइनस बी। बी को कंप्लीटली काट फेंको, बी को तो काट दो, बी का एक स्मॉल पार्ट, जरा सा ही पॉइंट लगाते हैं ना, अपना पैंट दिखाते हैं, उतना सा पार्ट भी इसके आंसर में नहीं आएगा। अगर आंसर किसी ने ये कहा ये,
तो भैया ये है तो ये बी का ही पार्ट है, ए का तो है ले लो, लेकिन ये बी का पार्ट है, बी के लिए मना किया है। तो इसमें ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसमें हम कहें ओनली ए, केवल ए, ऐसा हम लोग कह पाए। बताओ इसमें केवल ए कहाँ है? वो कहते ये है, अरे तो बी का भी तो रीजन है, ओनली ए कहाँ हो गया, ये तो एंड बी भी तो हो गया, ए एंड बी, ए और बी, ऐसे हो गया, क्योंकि इसमें ए भी है इसमें बी भी है, तो ओनली ए कहाँ होगा? ए माइनस बी का मतलब है ओनली एंड ओनली ए, केवल और केवल ए, क्योंकि ए माइनस बी है। तो इसका आंसर आएगा फाई, फाई का मतलब होता है इम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स इसमें छाए किस बात का आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा ए है ही नहीं, ए का ऐसा कोई रीजन है ही नहीं जो केवल ए का हो, केवल ए का। देखो यहां था ये बी को भी काट के फेंक दिया, क्यों फेंक दिया, क्योंकि बी माइनस करना में, लेकिन ये जो बाकी बच गया वो ओनली ए है, यहाँ पर बी नहीं है, देखो ये बी नहीं है यहाँ पर, ये ना जहां दिखा रहा है ये बी नहीं है, बी तो हमने काट के फेंक दिया इसको, यहाँ देखो आप ये देखो पूरा पूरा बी काट के फेंका हुआ हमारा, ओनली ए, तो ये ए आ गया, और यहाँ पर ओनली ए में पूरा ए आ जाएगा ये, क्योंकि बी तो हटा दिया हमने, बी तो लेना ही नहीं है ना, और यहाँ पर हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको ए को लेंगे तो ये वाला जो रीजन है वो ओनली ए रीजन नहीं है, वो एंड बी भी है, तो इसलिए बी नहीं लेना है। तो ध्यान रखिए आप, इसका मतलब होता है ए तथा बी का अंतर है, ये अंतर के लिए माइनस चिन्ह का यूज करते हैं, ए पहले है तो ए पहले लिखेंगे, बी बाद में तो बी बाद में लिखेंगे, तो ए माइनस बी का अंतर हो गया, ए किंतु बी नहीं, ऐसे बोलेंगे इसको, ए किंतु बी नहीं, इसको हम लोग केवल ए ऐसा कुछ करके भी बोल सकते हैं, केवल ऐसा डैश लगा, केवल ए और ए माइनस बी, ये माइनस नहीं है, ये डैश समझ लो या छोड़ दो इसको ना, ए माइनस बी ऐसे लिखते हम लोग, समझ आ गया आप, इसमें आ जाएगा इसी प्रकार, इसी प्रकार समझ लीजिए आप स्टूडेंट्स, देखो कैसे बी तथा ए का अंतर। अब हमने क्या कर दिया, सेट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, बी को पहले ले लिया, ए को बाद में ले लिया, बी तथा ए का अंतर। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, बी पहले लिखा जाएगा, बी लेना है बी किंतु ए नहीं, ए को नहीं लेना। अगर इसको बोलते हैं केवल बी, केवल बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली बी माइनस ए, क्योंकि बी तथा ए का अंतर है तो बी माइनस ही होगा, और बी माइनस मतलब ए माइनस, माइनस में कौन जाएगा, ए, और माइनस में जाता है वो कंप्लीटली कट जाता है, उसका एक स्मॉल पार्ट भी रिमेनिंग नहीं रहता, बचता नहीं है, हट जाएगा वो पूरा, ऐसे लिखेंगे इसको अंदर उस पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बी तथा ए का अंतर, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना के बताऊँ ना आपको, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना आपको, देखो मैं बनाता हूँ आपके सामने, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यूनियन है, अब बताओ ये बी है, अब मुझे बताओ इसमें बी माइनस ए बनाना, मुझे बताओ बी को छायांकित कौन होगा, बी, ए तो लेना ही नहीं है ना, इसलिए ओनली बी, लेकिन बी भी वो ही लेंगे जो केवल बी हो, नहीं आना चाहिए गॉड, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो देखो आप, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए यूनिवर्सल सेट, हो सकता है ना दोनों सेट्स के पास कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, ये ए हो गया ये बी हो गया, अब मुझे वेन डायग्राम बी माइनस ए, बी माइनस केवल बताओ, तो ये केवल बी को, हाँ बी का वो रीजन आएगा जो केवल बी का है, केवल बी को, केवल बी, केवल बी का होता है उसमें और कोई समूह, केवल बी और बी कोई नहीं, वेरी गुड, करेक्ट है ना, ये ऐसे बनेगा, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ इस टाइप से, इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि एक बार में एक ही क्वेश्चन आता है, आप समझो कि एक ही एक क्वेश्चन में सारे आंसर है, नहीं, क्वेश्चन ये है तो फिर ये नहीं होगा, ये है तो फिर ये नहीं होगा ना, एक बार में एक स्थिति बनती है, सारी स्थिति नहीं बन सकती है। ये देखो आप, ये हमने ले लिया यहाँ पर, ये ए ले लिया, चलो इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ ए, इसको लेता हूँ बी, और ये यूनिवर्सल सेट है, बताओ बी माइनस ये बताओ ना, किसको माइनस कर रहे हैं हम, ए को, तो ए का जो रीजन है उसको छोड़ना है, और केवल बी,
वो रीजन आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है जिसको हम ओनली बी कह सकते हैं, उसमें ए नहीं आएगा, करेक्ट है ना? ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे लास्ट और एक कंडीशन ये हो सकती है, यूनिवर्सल सेट ऐसे बना देंगे हम लोग स्टूडेंट ऐसे। हाँ, ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब इसका बी माइनस ए बनाओ, केवल बी बताओ, नहीं बनेगा मतलब बता दो आप एक बार, 10 मिनट और बचे हमारे पास है। नहीं होगा सर, नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप इसको छायांकित करते हैं तो ये ओनली बी नहीं है, क्योंकि जो बी का रीजन है वो ए का भी तो रीजन है, बी ए के इनसाइड ही तो है, ए के सर्किल के इनसाइड है, इसलिए वो ए का भी रीजन है, तो केवल बी तो नहीं है भाई, ये तो ए एंड बी हो जाएगा, ये ओनली ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी नहीं होता कभी भी, ओनली बी। तुम कह देंगे ये छायांकित भाग नहीं बनेगा, इसमें इज इक्वल टू 5 बनता है। जहां पर कोई भी छायांकित भाग प्राप्त नहीं होता उसमें बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है? इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक्चुअल में इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो अपना क्वेश्चन कर सकता है भाई, देखो आगे बढ़े। सर इसमें 2 से ज्यादा सेट भी आ सकते हैं क्या? यस, 2 से ज्यादा समुच्चय। कौन सा? 2 से ज्यादा। हाँ, 2 से अधिक समुच्चय आ जाते हो, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर 2 से अधिक समुच्चय में मिलेंगे ना, जैसे ए माइनस बी माइनस सी ऐसे मिलेंगे मान लो आप, है ना, तो पहले क्या करेंगे ये निकालेंगे आप, ऐसे कोई भी निकाल सकते ना, पहले पहले हम ये निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये आ गया डी आ गया आपको, दोनों का डिफरेंस करने के बाद ये डी आएगा नहीं आएगा, फिर माइनस सी, ये लो। अब वापस 2 के ऊपर ही तो आ गया, आप 2 से अधिक अंकों का अंतर नहीं करते हैं क्या, ऐसे 2 -3 -4 ऐसे मान लो आप, ऐसे करते नहीं करते? अब वो कहीं ना कहीं ब्रेकेट जरूर लगता है इसके अंदर, चलो मान लो ये वाला ब्रेकेट है, फिर क्या हो गया भाई -1, फिर ये -4 है तो क्या हो जाएगा -5, ऐसे करते नहीं करते? हम जो कैलकुलेशन 2 नंबर्स के लिए पढ़ लेते हैं वही कैलकुलेशन आप अप्लाई करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 समय, लेकिन 1 by 1 एक साथ नहीं करना, डिफरेंस में एक समय में एक, पहले आप इन 2 को ले लो या इन 2 को, ब्रेकेट मान लो आपके पास यहाँ पर है तो ऐसे हो जाएगा, और मान लो उसने ब्रेकेट ऐसे दे रखा है, सोचो एक बार के लिए ऐसे दे रखा ब्रेकेट, वो ब्रेकेट देगा फिर वहां पर, बिना ब्रेकेट तो गलत, अलग अलग आंसर आ जाएंगे। देखो तो फिर ये निकाल लेंगे हम दोनों का डिफरेंस, तो ए तो चलेगा और माइनस ये डिफरेंस मान लो आ गया डी, फिर हमारे डी निकालेंगे, फिर यहाँ 2 हो गए, यहाँ भी 2 ही थे, यहाँ भी 2 हो गए, ऐसे करना होता है इसमें, है ना? कभी अगर 2 से अधिक समुच्चय आ जाते हो तो फिर ऐसा करते हैं। आगे बढ़े, चलो फिर हमारे पास समय भी नहीं है, बढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ कि एक्चुअल में जितना हमने पढ़ा है ना इसको, वो पढ़ने में आपको थोड़ा टेढ़ा लग सकता है, लेकिन जो क्वेश्चंस को आप कैलकुलेट करेंगे वो इससे भी ज्यादा आसान होगा। लेकिन थ्योरी पढ़ना जरूरी है, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर एक रटने के समान हो जाएगा, और हम कितना रट सकते हैं ना, समझ लीजिए आप। जैसे आप सोचिए, जैसे आपका एक एग्जांपल हमने लिया, एक सेट है ए, एलिमेंट है ए बी सी डी ई, है ना, ऐसे ले लिया, चलो तो एक सेट है बी, इसके पास जो एलिमेंट है वो है हमें निकालना ए माइनस बी, क्या निकालना हम लोगों को, ए माइनस बी, लेकिन बी माइनस से निकालना क्या हो जाएगा, पूरी भी बोला वो अपने आप को म्यूट कर ले, आवाज कहाँ से आ रही है, ये अरुण जानवी, अरुण जानवी
अरुण जांगीर मेरी अरुण ठीक है ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल देखो इसका ना, जिस घर से आवाज आती है ना वो अपने आप को म्यूट क्यों नहीं कर लेते, बेवकूफी कर लेते हैं कभी कभी। अब देखिए आप इसका आंसर, ए माइनस बी का मतलब जो एलिमेंट्स कॉमन है वो काट दीजिए। आप देखो ए यहाँ है यहाँ नहीं है तो ठीक है, बी यहाँ है बी को काट दीजिए ऐसे, यहाँ डी है सी यहाँ है सी नहीं है ओके, डी को डी से काट दीजिए, ई यहाँ पर है ई यहाँ नहीं है, बस हो ओके। जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आप काट दीजिए, माइनस का मतलब ही होता है कैंसिल होना एक तरह से। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट्स ओनली ए के लेने हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स को आपने कैंसिल कर दिया, अब ओनली ए के एलिमेंट्स। तो ओनली ए के एलिमेंट्स कौन सा हो गया, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ए सी ई, बी के एलिमेंट तो लेने ही नहीं थे, ये तो पहले ही मना कर रखा है भाई, जो सेकंड सेट है उसके एलिमेंट तो लेने ही नहीं है किसी को भी, ये गलती ही नहीं करे, बी का एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो जी नहीं आएगा एच नहीं आएगा, अगर किसी के माइंड में होता सर ये जी और एच तो कटे भी नहीं फिर क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना, तो हम एक्चुअल में काटते तो नहीं है यहाँ पर, इन दोनों को भी नहीं काटते हैं, लेकिन ये समझने में आसान हो जाता है, बी का एक भी एलिमेंट नहीं लेना है। अगर हम बी और डी को नहीं काटते, सोचिए एक बार के लिए, तो हम गलती से यहाँ बी ले लेते डी ले लेते, और बी और डी केवल ए के एलिमेंट नहीं है, आप तो केवल ए के एलिमेंट है नहीं, बी और डी तो बी के भी एलिमेंट है, और ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, ऐसे एलिमेंट्स जो केवल और केवल ए के पास हो, अदर साइड के पास ना हो। तो ये देखो बी और डी क्या है, ए के पास भी थे और बी के पास भी थे, उनको तो लेना ही नहीं है। हाँ जी और एच क्यों नहीं लेंगे हम, क्योंकि आप तो ए के एलिमेंट ही नहीं है, अब ओनली ए ले रहे हैं हम लोग को, तो ओनली ए में तो ये तो लेना ही नहीं है ना बिल्कुल भी, एक भी एलिमेंट नहीं लेना, बी का तो आना ही नहीं चाहिए गलती से भी, लेकिन ए के भी वही एलिमेंट जो केवल ए के पास हो, इसलिए हमने बी और डी को रिजेक्ट कर दिया, इसका आंसर हो गया। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाना चाहूँ तो वेन डायग्राम से कैसे बनेगा स्टूडेंट देख लो, वो भी देख लो, इसका वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट बना दिया करो। अब क्या होगा, ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो दोनों के जो सर्किल है वो एक दूसरे को ऐसे काटते हुए बनाए जाएंगे ए बी। पहले कॉमन एलिमेंट बताओ दोनों में कॉमन कौन है, एक बी है और एक है डी। ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स ए हो जाएगा सी हो जाएगा ई हो जाएगा ओके, बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स जी एच। अब आपको ए माइनस बी बनाना है स्टूडेंट, बताओ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए किंतु बी नहीं, तो ये आप करेंगे बस ओनली ए, ये आंसर आ गया, ऐसे आंसर आ गया। अब यहां से पढ़ लीजिए आंसर क्या आ रहा है, पढ़ो एलिमेंट्स जो हाईलाइट रीजन है ना वहां से एलिमेंट पढ़ लो आप, तो कौन आया ए सी आंसर आ गया, यहां से मिलाओ यहां से मिलाओ, एक ही बात है, ये तो मैंने बना लिया पहला आंसर। अब दूसरा ले रहे हम लोग, अगला क्या लेंगे स्टूडेंट्स हम, बी माइनस ए, तो पहले बी को लिखा जाएगा बी डी जी एच, और माइनस ए ए बी सी डी एंड ई, कॉमन को कैंसिल कर दीजिए, कॉमन को बी यहां है यहां भी कैंसिल, और डी यहां है डी यहां भी कैंसिल, जी यहां है यहां नहीं है, एस यहां यहां नहीं है ओके। अब ओनली बी के एलिमेंट्स आएंगे, ओनली बी किसके एलिमेंट, बी के, तो कौन आ जाएंगे जी एंड एच ओके। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, हमारा टाइम पूरा होने जा रहा है, ये हो गया ए ये हो गया बी, कॉमन एलिमेंट कौन से थे बी डी ए सी ई जी एच, ये बनेगा स्टूडेंट्स ओनली बी, ये लो इसको बोलते हैं बी माइनस ए।